क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। आईपीएल 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली सीएसके मुंबई के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। वजह टीम का खराब प्रदर्शन नहीं बल्कि बड़ी वजह रही टीम में धोनी का न होना। धोनी की जगह सुरेश रैना ने कप्तानी संभाली मगर उनकी कप्तानी में टीम को दूसरी बार करारी हार का सामना करना पड़ा। अब मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा ने सबको लेकर बड़ा राज खोला है। मैच के बाद रोहित ने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सीएसके के मैच से दो तीन दिन पहले मैं सोच ही रहा था कि अगर एमएस धोनी ना हो तो हम आसानी से जीत सकते हैं। रोहित ने कहा, मेरे मन में बस ये एक ख्याल आया था और वो सच हो गया। बगैर धोनी के हम चेन्नई को आसानी से हरा पाए। रोहित ने कहा, एमएस धोनी अगर आसपास नहीं है तो ये किसी भी विरोधी टीम के लिए अच्छी बात है क्योंकि उनकी उपस्थिति विरोधियों पर भारी पड़ती है। रोहित ने यहाँ सुरेश रैना को लेकर भी काफी कुछ कहा। रोहित बोले, इसमें कोई शक नहीं कि सुरेश रैना बेहतरीन खिलाड़ी हैं, मगर धोनी की जगह लेने में वो मात खा गए। उन्होंने कई गलतियां की जिसका फायदा सीधे तौर पर हमें मिला। रोहित ने कहा, एविन लुइस के लिए जो उन्होंने DRS नहीं लिया उसका फायदा भी हमें हुआ। यहाँ रोहित ने सीधे शब्दों में तो नहीं कहा, हाँ मगर वो बातों बातों में कह गए कि धोनी की गैर मौजूदगी और रैना की कमजोर पकड़ से मुंबई इंडियंस को जीत मिली है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।